और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। बता दें दिल्ली में 12 साल के बच्चे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आई है। आपको बता दें एक बच्चे ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कोविड वैक्सीन बच्चों को लगाने का मुद्दा उठाया गया है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में इजाजत मांगी गई है कि बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाई जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कोविड वैक्सीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा मुद्दा जो है हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है, जहां पर हाई कोर्ट में इस याचिका को दाखिल कर बच्चों को वैक्सीन देने की मांग की गई है। बता दें दिल्ली में एक बच्चे ने खटखटाया है हाई कोर्ट का दरवाजा, और इसी के साथ ही 12 साल के बच्चे ने ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और इसी के साथ ही बच्चे ने यह मांग की है कि दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की गई है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सके। जिस तरीके से तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है, इसको देखते हुए ये चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। और इसी के साथ ही वैज्ञानिकों की तरफ से भी बच्चों पर ट्रायल्स भी कई जगहों पर शुरू कर दिए गए हैं, और इसी बीच कोर्ट की तरफ से भी इस ट्रायल को रोकने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी। और अब इस कड़ी में एक और ये मामला सामने आया है, जहां पर 12 साल के एक बच्चे ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बच्चों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां कोविड वैक्सीन बच्चों को लगाने का मुद्दा हाई कोर्ट में उठाया गया है। बता दें खुद एक 12 साल के बच्चे ने ये मुद्दा उठाया है हाई कोर्ट में, याचिका दाखिल कर बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की इजाजत मांगी गई है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जो एक बच्चे ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है। बच्चे ने बता दे 12 साल का ये बच्चा है जिसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और कोविड वैक्सीन को लेकर दरवाजा खटखटाया गया है हाई कोर्ट का। एक याचिका दायर की गई है, जहां पर अब बच्चों को कोविड वैक्सीन दिए जाने को लेकर ये मुद्दा उठाया गया है, और खुद एक 12 साल के बच्चे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की इजाजत मांगी है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्र सरकार को भारत में सिंगल डोज कोविड 19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के जल्द आने की उम्मीद है। बता दें टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वैक्सीन के रूसी निर्माता और उसके भारतीय साझेदारों समेत सभी पक्षों को वैक्सीन के लिए आवेदन करने और रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस को तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट की रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अगले कुछ हफ्तों में आवेदन दायर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है, और मंजूरी के बाद ये भारत में मिलने वाली सिंगल डोज की पहली वैक्सीन बन सकती है। सूत्रों के अनुसार कोविड 19 वैक्सीन घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही के दिनों में टॉप सरकारी अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी। तो इसके साथ ही आपको बता दें स्पुतनिक भी एक रूस की वैक्सीन है, जिसे सिर्फ एक ही डोज लेना होगा, और ये वैक्सीन कोविड वैक्सीन है। इसके साथ ही आपको बता दें स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दो डोज लेनी अनिवार्य होती है, जबकि स्पुतनिक की एक ही डोज काम कर जाएगी, कारगर साबित होगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें अब केंद्र सरकार की तरफ से स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को जल्द ही भारत में दिया जाने लगेगा। आपको बता दें भारत में ही इस वैक्सीन को जो है बनाया जाने लगेगा। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के मिलने की जल्द ही उम्मीद भी जताई जा रही है सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही आपको बता दें स्पुतनिक एक रूस की वैक्सीन है,